Yeah, you can. Okay. So good morning all. This is Sagar Panchal from Raising Success Financial Planners, the Input and Cultural Coordinator at TBN Navsari. So, आज मुझे लगा कि मुझे फिर से ये चीज बतानी चाहिए. So I have taken the topic as rules for an elevator speech, right? So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का और काफी इनोवेटिव है. ये TBN एजुकेशन स्लॉट से बाहर का है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चीज है और बहुत ही अगर हम ये चीज सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट विल बी वेरी यूजफुल टू टेक अवर बिजनेस टू अ न्यू लेवल. सो आई हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक फॉर टुडे. सो एलिवेटर स्पीच है क्या? व्हाट इज एन एलिवेटर स्पीच? हम एलिवेटर में है, हमारे पास केवल 60 सेकेंड से कम का समय है जहां पे हम लोग को ये बोलना है कि भाई हम कौन है, हम क्या करते हैं और उसमें हम क्या बोलेंगे. सो अगर ये क्या रहता है कि भाई मैच चल रही है, सरप्राइजिंग कैच आ जाता है और हम कैच छोड़ देते हैं, तो ये मोमेंट नहीं होनी चाहिए कभी भी. सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच अ मोमेंट कि भाई हमारे लिए एक बहुत ही एस्टीम क्लाइंट है कि ये बंदा अगर मेरा क्लाइंट बन जाए तो यार मेरी लाइफ बन जाएगी. और वो बंदा अचानक से अपने पास आ जाए और बैठा हुआ हो और हम लोग लिफ्ट में खड़े हैं मिले हुए, या फिर कहीं भी जगह पे, एक जगह पे मिले हैं जहाँ पे वी हैव जस्ट 30-60-90 सेकेंड्स विद अस, तो उसके शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. सो एक चीज खास ध्यान रखनी है कि ये जो एलिवेटर स्पीच जो है वो अपना वीकली 30 सेकेंड्स का प्रेजेंटेशन नहीं है. ठीक है, वीकली 30 सेकेंड्स का प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है. एलिवेटर स्पीच बिल्कुल भी अलग है और 30 सेकेंड्स का अपना जो स्पीच है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट है. ठीक है, सो वीकली 30 सेकेंड्स में हम लोग क्या करते हैं कि वी शुड बी स्पेसिफिक. हम लोग को एकदम स्पेसिफिक रहना है, टू द पॉइंट रहना है. हम लोग को अपनी जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. इसके अंदर काफी सारी कैटेगरी आती है, काफी सारे फंड्स आते हैं. तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए मैं बोलूंगा वो 30 सेकेंड्स होगा. तो इट शुड बी स्पेसिफिक. और हर एक सर्विस को कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल विपुल भाई बोलते हैं कि भाई 14 सीट से 56 सीट की गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन ही कैन बाइफर्केट कि भाई ये वीक के अंदर मैं चार जो फोर व्हील वाली गाड़ी के बाद में बात करूंगा, नेक्स्ट वीक में 14 सीटर के लिए बात करूंगा, उसके बाद में 56 सीटर के लिए बात करूंगा. ऐसा कुछ भी अलग अलग हम लोग प्लान कर सकते हैं. तो 30 सेकेंड्स क्या है, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड इट शुड बी एवरी वीक के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स को अपने को कर सकते हैं. एंड द एलिवेटर स्पीच क्या है? तो एलिवेटर स्पीच जो है वो जनरलाइज होगा, उसके अंदर अपना पूरा बिजनेस कवर होना चाहिए. तो इसके लिए दोनों डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा. सो ये जनरल होना चाहिए, इसमें ये बताना है हु यू आर. 30 सेकेंड्स में ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप मेंबर हो, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. तो एवरी वीक में ये बताऊंगा कि मैं ये हूँ, वो अपने को बिजनेस ला के नहीं देने वाला. तो एलिवेटर स्पीच के अंदर सामने वाला बंदा अपने को नहीं पहचान रहा है, इसके लिए यू विल शेयर कि आप कौन हो. आप हम जनरली क्या कर रहे हैं इन द ब्रॉडर सेंस, हम लोग एक सेंटेंस के अंदर, दो सेंटेंस के अंदर पूरा बिजनेस को समराइज करेंगे और वो जनरल में बताएंगे. और अगर ये चीज आप वीकली 30 सेकेंड्स में कर रहे हो, वीकली जो मीट से इसके अंदर आप कर रहे हो, तो वी आर गोइंग कंप्लीटली रॉन्ग, राइट? सो ये जनरलाइज है, वो एलिवेटर स्पीच है, वो स्पेसिफिक है, वो अपना वीकली प्रेजेंटेशन है. सो वी आर वेस्टिंग योर टाइम अगर हम ये चीज 30 सेकेंड्स में कर रहे हैं वीकली में. सो ये कभी भी नहीं करना है अपने को. सो रूल वन, मैं आपको 7 से 9 रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो रूल्स अपने को बहुत ही काम लगेंगे एलिवेटर स्पीच बनाने के लिए. ये केवल एलिवेटर स्पीच नहीं है, मतलब केवल ये मत देखिएगा कि मैं एलिवेटर में ही मेरे क्लाइंट को मिलूं तो ही मुझे बताना है. ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है. आप गार्डन में मिल सकते हो, आप कहीं भी रेस्टोरेंट में इकट्ठा हो सकते हो, कहीं भी. इट्स लाइक कोल्ड कॉल्स, डू आर यू लाइक, जहाँ इस जगह इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन एलिवेटर स्पीच के लिए, इसके लिए इसको एलिवेटर स्पीच बोला गया है कि ये मोस्टली मेट्रोज में प्रैक्टिस होता है, वहां पे लोग बिल्डिंग्स में ज्यादा मिलते हैं. ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट एन एलिवेटर स्पीच, ये कहीं भी आप यूज कर सकते हो. रूल टू, ये शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ये टू द पॉइंट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए. ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रट्टा मार के आया है. ठीक है, इट शुड कम आउट नेचुरली, क्योंकि आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, आप अपने खुद के बारे में बता रहे हो. तो यू शुड हैव योर पॉइंट्स इन योर माइंड और ये एक बार, दो बार, पांच बार प्रैक्टिस किया होना चाहिए तब, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये लास्ट बॉल सिक्स वाली बात है. लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, छक्का मारना ही है तो ही मैच जीतनी है.
ये वाली बात है कि अपने ड्रीम क्लाइंट जो है उसके साथ में मिले, वी हैव एकदम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और वहां पे अपने को ये चीज बतानी कि भाई एक थोड़ा टाइम दे दो मेरे को मिलके आपको मेरा पूरा बिजनेस बताना है, ठीक है। सो ये शॉर्ट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, क्विक होना चाहिए और प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। रूल 3, कीप इट सिंपल। इसके अंदर खास करके जार्गन्स यूज नहीं करने हैं, इसके अंदर एकदम सिंपल रखना है, प्लेन वेनिला। सामने वाले बंदे को आप क्या बोल रहे हो वो पता चलना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर क्रिएटिविटी ऐड करनी चाहिए जिससे सामने वाला को अटेंशन आए, वो अटेंशन सीख करे और अपने को सुने। ये जो 30 या 90 सेकेंड्स के लिए जो आप बोलेंगे तब वो प्रिसाइसली आपको सुनना चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इट शुड बी प्रैक्टिस्ड, वो आपको खास 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 ध्यान रखना है। रूल 4, डोंट यूज जार्गन्स, जो लास्ट में बताया स्किप इट सिंपल, तो जार्गन्स यूज करके उसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करना है, बराबर। व्हाट डज इट मीन, सो जार्गन्स यूज करेंगे कोई ऐसा शब्द, फॉर एग्जाम्पल अक्षय किसी को मिला है और पेंट के लिए बात कर रहा है और पेंट के लिए बोलेगा पॉलीयुरेथेन पेंट, तो बोलेगा ये कौन सा पेंट है यार, ये उसके लिए वो डेली शब्द है, वो यूज करता होगा, या फिर ऐसा पेंट है वैसा पेंट है। तो बेसिक लॉजिक वाली लैंग्वेज चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज चाहिए, वी शुड नॉट यूज जार्गन्स इन दिस, राइट। रूल 5, शेयर योर यूएसपी। इंडिया में ये चीज खास है और ऑल ओवर वर्ल्ड भी ये चीज पॉइंट है कि हम लोग जो भी बिजनेस में है वो हम लोग का मोनोपोली बिजनेस नहीं है, मोनोपोली जैसी चीज अब रही नहीं है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल राजेश भाई एक ट्रैवल कंसल्टेंट है, तो देर आर वेरियस, खाली नवसारी में गिनने जाएंगे तो आपको 50, 100, 150 लोग मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड का धंधा, इक्विटी का धंधा, LIC का धंधा, 200-500 जन मिल जाएंगे, वेबसाइट वाला 500 जन मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन ये चीज अपने को खास शेयर करनी है कि भाई मैं यूनिक क्यों हूँ, हमारे में ये चीज तो है, धंधा सबका सेम है लेकिन अलग से। फॉर एग्जाम्पल कोई पान वाला है तो हम लोग क्यों स्पेसिफिकली उसी पान वाले के पास जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट है क्यों स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि दे हैव यूनिक टेस्ट, ये दे हैव यूनिक सर्विस। तो ये जो आपका जो यूनिक सेल्स प्रपोजिशन है ये आपको खास शेयर करना है, इट विल सर्व यू विल। इसके साथ में एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल राजू भाई बोलते हैं कि भाई आई एम अ कोच एंड कंसल्टेंट, बराबर, ही इज अ कोच, ही इज अ कंसल्टेंट, बट अगर वो लोग वो अगर ये बोलना चाहते बोलना शुरू कर दे कि भाई आई हेल्प पीपल वर्क लेस एंड मेक मोर फ्रॉम देयर बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये कुछ अलग हो गया, ये क्रिएटिविटी ऐड करना हो गया और क्रिएटिविटी के साथ अपने अपने यूएसपी शेयर कर रहे हैं। रूल 6, फोकस ऑन बिजनेस बेनिफिट। तब अपने को ये नहीं सोचना है कि सामने वाला बंदा अपने को धंधा कब देगा कैसे देगा, तब ये सोचना है कि भाई मैं जो आपके लिए सर्विस देने जा रहा हूं या मैं जो प्रोडक्ट देने जा रहा हूं उसमें आपकी भलाई है, ठीक है। सो सामने वाले बंदे को ये चीज होनी चाहिए कि भाई ये तो मेरे लिए कर रहा है, ये तो मेरा बेनिफिट है, ये मेरा बेनिफिट जब दिख गया तब खत्म हो गई बात, यहां से अपना धंधा शुरू हो जाएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आई हेल्प पीपल इंक्रीज देयर सेल्स बाय 33%, या फिर इंप्रूव योर क्लोजिंग रेशियो टू 80%, या फिर डबल द न्यू क्लाइंट ऑन बोर्डिंग। सो ये कैसे हो गया कि भाई अपना सामने वाले का बेनिफिट देख रहे हैं कि भाई आपका धंधा अगर 33% से सेल्स बढ़ानी हो, आई एम द पर्सन फॉर यू, आपको क्लोजिंग रेट बनाना है तो आई एम द पर्सन फॉर यू, ठीक है। रूल 7, पास द आईब्रो टेस्ट। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर यू विल हैव टू सी के भाई सामने वाले बंदे का फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको खाली एक चीज नोटिस करनी है तो सामने वाले बंदे के आईब्रोज के ऊपर ध्यान रखनी है। अगर आपने जो ये सब चीजें ध्यान रख के जो एलिवेटेड स्पीच बनाई है तो सामने वाले बंदे की आईब्रोज ऐसे ऊपर चली गई, देन यू हैव वन इट, यू हैव गॉट देम क्यूरियस, ही वांट्स टू लिसन यू मोर। और अगर आप इस टाइम पे ऊपर लास्ट बॉल 6 मार देंगे और बोलेंगे सर आई वांट अ 15 मिनट्स अपॉइंटमेंट या आई वांट अ 30 मिनट्स अपॉइंटमेंट, कहां मिले, आप ऑफिस पे आएंगे या मैं आऊं, राइट। सो यू हैव वन इट एंड इफ इट गोज डाउन तो बॉस आपको आपने उसको कंफ्यूज कर दिया है और यू विल हैव टू कीप ट्राइंग टू कीप इंप्रूविंग, राइट। एक नई स्पीच बनाने का टाइम आ गया है, राइट। सो एलिवेटिव स्पीच मैं क्विकली रिकैप कर दूंगा, ये केवल एलिवेटर्स के लिए नहीं है, इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, जार्गन्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, आपको अपना यूएसपी शेयर करना है, सामने वाले के बेनिफिट के ऊपर फोकस करना है, और लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, पास द आईब्रोज टेस्ट।
राइट। सो ये चीज हम कब यूज करते हैं, कर सकते हैं एलिवेटेड स्पीच अगर अपने को टीबीएन के अंदर यूज करनी है तो अभी प्रोबेबली नेक्स्ट एक दो महीने के अंदर अंदर हम लोग मेगा विजिटर डे वगैरह प्लान करेंगे तब अपना एलिवेटेड स्पीच आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये चीज अपने वीकली प्रेजेंटेशन में कभी भी यूज नहीं करनी है। हमने देखा है कि दोनों डिफरेंट कैसे है और दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों इंपॉर्टेंट है अपने प्लेस के ऊपर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर द टाइम अभिषेक भाई।